गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ मैसूर, बैंगलोर से मैसूर, जो कि 150 किलोमीटर का रास्ता है। और अभी आपने देखा एक एक्सीडेंट, जो कि ट्रक का दूध वाला ट्रक था जो दूध लोड करके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ। और जिस तरीके से ये भाई चढ़ रहे थे, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और हमारे साथ मेरा दोस्त है अभिषेक शर्मा, ये भाई भी ऐसे ही कुछ गाड़ी चलाता है। इसको लगता है कि यहाँ एक्सीडेंट होगा तो ये चेक पॉइंट से नया लाइफ शुरू हो जाएगा। ये भी भाई ऐसे ही बिल्कुल गाड़ी चला रहा है। तो अभिषेक, चले हम लोग मैसूर, पूरा ट्रिप का एंजॉय तो तुम ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑन द वे आपको बहुत अच्छी अच्छी रोड व्यूज आपको दिखाऊंगा। 340 है। तुम कितना वाला लिया? 230 वाला, 140 और 140, टोटल 70। 100। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रंगापटना मंदिर, जो कि मैसूर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऑन द वे मैसूर जाने के टाइम में मस्ट विजिट कीजिएगा श्री रंगापटना टेंपल, जिसके नाम पे एक शहर भी बसा हुआ है जो कि कावेरी नदी के बगल में है। और बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, यहाँ पर एकदम आपको कलाकृति नज़र आएगी टेंपल की। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें जो रंगापटना जो टेंपल है, ये बेसिकली विष्णु भगवान का इसमें पूजा होता है। तो दिखाते हैं आपको। भाई ये मंदिर है, और कितना खूबसूरत तरीके से इसका जो पिल्लर है, के जमाने में कैसे इस पर कलाकृति बनाई गई होगी। भाई ये प्रसाद के तौर पे ये पत्ता आप लेके जा सकते हैं अपने घर, जो यहाँ पे रखा हुआ है। मैप में देख सकते हैं आप, इस मैप में दिया हुआ 3 पीठ है यहाँ पर, श्री रंगापटना, शिवा सुंदरम जो रेड कलर का है, और ये तीसरा श्री रंगम। ये 3 पीठ है, उसका नक्शा दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो मंदिर का कैंपस है, अंदर में काफ़ी बड़ा कैंपस है, और जो बगल से कावेरी रिवर गुजरती है, वो कावेरी रिवर पर ऐसा कहा जाता है कि ये पहला टेंपल है श्री रंगापटना टेंपल। और कावेरी रिवर का डिस्प्यूट तो शुरू से आप लोग जानते हो, एक अलग टॉपिक है, उसको किसी और दिन बताएंगे। कावेरी रिवर का डिस्प्यूट की वजह से वो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु को जाती है। अब देख रहे हैं ये रथ है, हो सकता है किसी ओकेशन में ये रथ को निकाला जाता होगा और इसको भ्रमण कराया जाता होगा पूरे मंदिर के या फिर यहाँ के सोसाइटी वगैरह में। काफ़ी अच्छा है, एकदम कलाकृति इसमें जो बनाई हुई है, स्टैचू वगैरह देख सकते हैं, कितना सही है। तो भाई ये था रंगापटना मंदिर। अब हम लोग चले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, चामुंडेश्वरी हिल। और वो हिल बहुत गजब का है, बहुत सारे टर्निंग्स है, यू टर्न्स है। Which side? Palace, this side, na? Palace, this side. This side. That side. And this side, which place? This side, jo full village hai, pura village. Pura village area. Haan, village area. Mysore, na? Mysore. Pura Mysore district. Pura Mysore district. Pura Mysore. Mysore dikhta. Mysore. Hmm. Idhar se full kam hai. Udhar se full. Acha dikhta. Bada hai. Pura Mysore full dikhta. Wo Mysore Palace. मैसूर का रेस कोर्स, लीला पैलेस, ललिता महल पैलेस, पूरा दिखा। इन पहाड़ों पर कम से कम 6 किलोमीटर का चढ़ाई है, उसके बाद हमें ऊपर से पूरा अच्छा व्यू दिखेगा। और जहाँ तक बात करें यहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन का, तो थोड़ा सा लैंग्वेज गैप है, लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर। जो भी बात करना होगा इशारों में बात करना पड़ेगा, मुँह से ज़्यादा हाथ चलाना पड़ेगा आपको बात करने के लिए। तो ये सब चीज़ यहाँ पर है। हाँ, ये लाइन जो है ना, इतना तगड़ा लाइन है ना, और हम लोगों ने स्पेशल दर्शन के लिए टिकट लिया हुआ है। इतना भीड़, इतना क्राउड, पिछले दो साल पहले मैं आया था, एक इंसान नहीं यहाँ नज़र आ रहा था, मतलब कुछ लोग थे, दो चार लोग, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था।
और अभी मतलब कि क्या बोला जाएगा कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, और लेकिन मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये हम लोगों ने स्पेशल दर्शन का टिकट लिया हुआ है, ये टिकट अराउंड 100 रुपये का पड़ा है पर हेड। थैंक यू समझा लड्डू एरेडू तो फ्रेंड्स एरेडू एरेडू राइट एरेडू फ्रेंड्स एरेडू एरेडू लड्डू मीन्स दो लड्डू हमें मिला इस टिकट के साथ में, जिसको लेके हम घर जाएंगे प्रसाद के रूप में। तो भाई ये चामुंडी हिल्स के ऊपर में बसा हुआ है चामुंडी देवी, और यहाँ के लोग उसे चामुंडी ताई भी बोलते हैं, और उनका जो यहाँ पर विश्राम गृह है तीन द्वार है यहाँ पर। और चामुंडी देवी जी जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, उनका एक अवतार दुर्गा जी का अवतार है, और शायद उस राक्षस के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा था मैसूर, महिषासुर के राक्षस के नाम पर। काफ़ी भीड़ भाड़ है इस एरिया में, इतना ज़्यादा भीड़ कभी नहीं था। अभी शायद वीकेंड है या फिर क्राउड ज़्यादा है इस वजह से इतना ज़्यादा भीड़ है, वरना यहाँ पर देखने लायक है, एक बार तो आना यहाँ बनता है। तो भाई अब चलेंगे हम लोग मैसूर पैलेस देखने के लिए, और मैसूर पैलेस का ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर कर्नाटक में, और ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल जो आगरा में है उसके बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मॉन्यूमेंट है तो वो है मैसूर पैलेस, और इतना ज़बरदस्त है, आपको अंदर से पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा उसको। मेरा फोन तेरे पास। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ मैसूर के बारे में, चंदन का शहर भी इसको कहते हैं, चंदन का शहर इन द सेंस कि जो चंदन बनता है अगरबत्तियों में डाला जाता है या चंदन साबुन वगैरह में, वो सब भी यहीं बनता है। और जो आप वोट कभी ज़िंदगी में आप दिए होंगे तो वोट देने के बाद जो अंगूठे में जो इंक लगाता है वो इंक भी मैसूर से ही जाता है। और एक चीज़ कि कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मैसूर। मैसूर में पता है एक चर्च है, सेंट कैथोलिक चर्च आई गेस, मेरे को एग्जैक्टली उसका लोकेशन पता नहीं है, या फिर आज मैं शायद नहीं देख पाऊँगा वो सेंट कैथोलिक चर्च। कहा जाता है सेंट कैथोलिक चर्च वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आता है और एशिया का सबसे बड़ा चर्च वही है। और यहाँ पर मैसूर में एक फैक्ट ये भी है कि पहला अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया था वो मैसूर के अंदर ही बनाया गया था। आप लोगों ने कभी एशियन पेंट यूज़ किया होगा, वो एशियन पेंट भी यहीं ही बनता है मैसूर में। मैसूर पाक ऑब्वियस सी बात है एक मिठाई है जिसको आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में, वो भी यहीं का देन है। और मैसूर अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एजुकेशन, इन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और 1973 में मैसूर एक पूरे स्टेट का नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे सिर्फ एक सिटी का नाम कर दिया गया, क्योंकि कर्नाटक का नाम पहले कर्नाटक नहीं था, मैसूर हुआ करता था।